हेलो सबा, हेलो मीरा, तुम कहाँ पे हो? रोहेल से मिलने उसके फ्लैट पर आ सकती हो? वो तुमसे मिलना चाहता है। मैं नहीं आ सकती और अब शायद कभी भी नहीं आ सकती। मेरी बात करो मीरा, क्या हो गया तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुर्तसिम ने मेरे साथ क्या सुलूक किया। मैं अच्छी तरह से जानती हूं, और तुम ये नहीं जानते हो कि मुर्तसिम कितना गुस्से में था। मुझे तुम्हारे फ्लैट पे देख के उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। तुम उसे डिफेंड कर रही हो, उसको जिसकी वजह से तुम्हारा सब कुछ छिन गया, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो गया, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारे ड्रीम्स, सब कुछ अधूरा रह गया मीरा, उसकी वजह से। और तुम उसके लिए अभी भी स्टैंड ले रही हो कि उसने मुझे मारा तो ठीक मारा। रोहिल, मैं उसे कोई डिफेंड नहीं कर रही, मुर्तसिम ऐसा ही है, और बेवकूफ तो मैं थी। तुम्हारे कहने पे मुझे तुम्हारे फ्लैट जाना ही नहीं चाहिए था। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मीरा, मैं तुम्हारे लिए उसके सामने स्टैंड लेने के लिए तैयार हूं, तो तुम क्यों डर रही हो? तुम क्यों ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे तुम्हें अब कोई फर्क ही नहीं पड़ता? मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा कोई भी नुकसान हो। आ गई बात समझ में? नुकसान मैं फुट मीरा, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा हुआ तो रोहेल मुर्तसिम तुम्हें मार देगा, जान से मार देगा। तुमसे मिलना, तुमसे बात करना, इसमें सिर्फ तुम्हारा नुकसान है। जब मैं नहीं डर रहा तो तुम किस चीज से डर रही हो मीरा? मुझे लगता है कि तुम्हें अब मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं रहा। मोहब्बत पे यकीन है या नहीं, अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे और तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि हम दोनों एक दूसरे से बात ना करें। मुझसे आइंदा मिलने की या राब्ता करने की कोशिश मत करना। अल्लाह हाफिज। से क्या हो गया? क्यों ऐसे बिहेव कर रही है ये? मैं उससे बात नहीं करूं, उससे मिलूं नहीं, उससे कोई राब्ता नहीं रखूं मैं। रोहिल, अगर वो तुम्हारे घर आके तुम्हारा ये हाल कर सकता है ना, तो वो कुछ भी कर सकता है। और वैसे भी मैंने उसको मीटअप के लिए हमेशा पागल ही देखा है। आई डोंट केयर वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, मैं मीटअप को नहीं छोड़ सकता। देखो रोहिल, इस तरह तुम मीटअप को नुकसान ही पहुंचाओगे, क्योंकि मुर्तसिम उसको सुकून से नहीं जीने देगा। उसे मेरे साथ जीना होगा सबा, वो सिर्फ मेरी है, मैं हूं उसका कदरदान, वो मुर्तसिम नहीं। लेकिन रोहेल, उसकी अब शादी हो चुकी है, वो उसकी बीवी है, और ये बात तो मान लो। वो उसकी होकर भी उसकी नहीं है। क्या मतलब? उसने आज तक उसको कभी छूने तक नहीं दिया, वो अब तक वैसी है। हाँ सबा, हाँ ऐसा ही है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ मैं हूं। मेरा इंतजार कर रही है वो। ये उसने तुमसे कहा है? कहा था, और मुझे यकीन है कि वो सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। न जाने क्यों वो इस तरह से बिहेव कर रही है, मुझे इग्नोर कर रही है। क्यों मीरा, क्यों? चलो शाबाश, अब तुम जाओ। कहाँ? गांव। गांव क्यों? हया है ना गांव में, तो हया को वापस घर लाओ। लेकिन क्यों? क्यों तुम नहीं जा सकती? माँ बेगम, उसने जो मेरे साथ किया है,
आपको लगता है मुझे जाना चाहिए? तुमने भी तो झूठ बोला था। हाँ बेगम, मैंने झूठ नहीं बोला था, वो सब कुछ जो भी था वो आपने खुद ही सोच लिया था। तो तुम मेरी गलतफहमी दूर भी कर सकती थी, क्यों नहीं की? बस खामखा दिल में बातें नहीं रखनी चाहिए। अच्छी मिसाल कायम करो, तुम अच्छा करोगी तो हया भी अच्छा करेगी। अपना मर्तबा पहचानो, खान मुर्तसिम की बीवी हो। चलो जाओ, शाबाश उसे लेकर आओ। मैं मुर्तसिम से पूछ के, मैं उससे बात कर लूंगी ना, बता दूंगी उसे। मैं जो कह रही हूं, तुम जाओ तो तुम जाओ। जी। और तुम हया को फोन कर दो कि गाड़ी आ रही है, तैयार रहे। जी बेहतर। माई देख कर आओ, मुर्तसिम खान आए हैं। बीबी अभी तो देख कर आई हूँ। तो दोबारा देखाओ, मुझे आज ही जाना है। आ गया मुर्तसिम। मुर्तसिम, मैंने मीरब को सीढ़ियों से नहीं गिराया। तुम्हें लगता है तुम्हारी है ऐसा कुछ कर सकती है जिससे तुम दुखी हो? माँ बेगम को गलत फहमी हुई कसम से। मुर्तसिम नहीं आया। मुर्तसिम की बीवी आई है। तुम अब मानती हो खुद को उसकी बीवी? हाँ, स्पेशली उनके सामने जो ये नहीं मानते। तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी मैं। क्यों? तुम मुझे नुकसान पहुंचा सकती हो, मार सकती हो मुझे। तुम्हारे साथ जो हुआ है भूली थोड़ी होगी तो। दिल तो बहुत था तुमसे बदला लूं, लेकिन मैं सोचा माफ कर देती। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए और मैंने मांगी भी नहीं। ना मांगो, ये तो मेरा बड़ा दिल है जो तुम्हें माफ कर दिया, वरना हरकत तो तुमने बहुत छोटी की थी। अफसोस, मुझे गिराना चाहती थी लेकिन गिरा नहीं सकी। हाँ, लेकिन तुम्हें पहला चांस मिला है, दूसरा नहीं मिलेगा। मोहतात रहना। पता क्या है, तुम इस तरह की फजूल हरकतें इतनी कर चुकी हो कि मुझे आइडिया हो गया कि इनसे कैसे डील करना है। खैर, इतनी दूर से आई हूं, इतना लंबा सफर करके, थोड़ी खातिर तवाजो करो, कुछ चाय पानी पूछो। माई, चाय लाए मेरे बीबी के लिए। बीबी जी, कुछ और लेंगी? नहीं, सिर्फ चाय पियेंगे, देर हो रही है, निकलना है हमें। बीबी, आप चाय के साथ कुछ और लेंगी या खाना लगवा दूं? नहीं ना, खड़ी क्यों हूं अभी तक? खान की बीबी, खान नहीं, मेरा बीबी, इनके होते हुए हमें किसी का हुक्म मानने की इजाजत नहीं। यहां सिर्फ वही होता है जो ये चाहती है। माई, ऐसा कीजिए, मेरे लिए एक कप चाय ले आइए और हया बीबी के लिए ठंडा पानी। क्या है कि लंबा सफर है, इनका दिमाग ठंडा रखना बड़ा जरूरी है। अच्छी बीबी। आप हया को लाई हैं?
आ रही है। माँ बेगम आपको भी वहां बुला रही हैं। जो मैं आ रही मरियम आ गई मैं। अच्छा किया हया तुम आ गई। तुम्हें पता मैंने कितना याद किया तुम्हें। याद किया हाक चाटो तुम झूठी। याद किया होता तो एक दफा आती ना मिलने। मैं तुमसे मिलने आती तो माँ बेगम मुझे भी वहीं बिठा देती। अच्छा होता ना मिल बैठते दो यार फिर बात करने वाला तो होता। वहां तो बस तन्हाई और सिर्फ खामोशी का राज है। खुदा दुश्मन को भी ऐसी सजा ना दे। अच्छा कोई बात नहीं ना अब तो आ गई। माँ बेगम किधर है? अंदर है तुम्हारा ही इंतजार हो रहा है। मूड कैसा है उनका? हया माँ बेगम का मूड बहुत अच्छा है। देखो बस तुम ना अंदर जाके मत बिगाड़ दे। ना बाबा ना इस दफा माँ बेगम को गुस्सा आया तो सीधा जन्नुम की टिकट कराएंगी और वहां से तो वापसी की भी उम्मीद नहीं। मरियम मुर्तसिम कहाँ है? मुर्तसिम भाई भी अंदर ही हैं। चलो ये मार्का भी पार लगा देते हैं। अच्छा सुनो सर पे दुपट्टा ओढ़ लो। क्यों? अब माँ माँ बेगम है ना अंदर? हाँ अरे आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आ गई। मरियम तुम जरा किचन में जाके देख लो। अच्छा भाई ये साबरा है नौरेज की वालदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हया आओ मेरे पास बैठो आके। जी माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बच्ची। हया और मरियम बहुत छोटे थे जब वलीद की डेथ हो गई थी और मैं नौरेज को लेके लंदन चली गई थी। अब देखिए माशाल्लाह सारे बच्चे कितने बड़े हो गए। हाँ वक्त का पता कहाँ चलता है। तो फिर अब वापसी का इरादा है या अब मुस्तकिल आ गई हूँ? नहीं नहीं माँ बेगम मैं सब वाइंड अप करके आई हूँ। अब मैं कहीं नहीं जाऊँगी अपने खानदान के साथ ही रहूँगी। तो यहाँ क्या करोगे? बाबा की कुछ ज़मीनें हैं वो देखूँगा और जिस मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब थी उसकी एक ब्रांच यहाँ भी है तो यहाँ पे जॉब करूँगा। Fantastic. Sounds good. माँ बेगम मुझे हया बहुत पसंद आई है अपने नौरेस के लिए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं मिठाई खिला दूँ। अरे भाई इजाज़त का क्या मसला है मुझे तो कोई इतराज़ नहीं लेकिन हमारे यहाँ सब फैसले खान मुर्तसिम करते हैं। बेशक मुर्तसिम इजाज़त है। जी सी ऑफ कोर्स बिस्मिल्लाह करें। मैंने मिठाई में हया खिलाऊंगी। ए लो मीठा करो बेटा। माँ बेगम आप लीजिए। मैं ये शादी नहीं करूंगी। क्यों? नौरेज तो बहुत अच्छा लड़का है और मुझे यकीन है हया तुम्हें बहुत खुश भी रखेगा। मैं यहाँ खुश हूँ और मेरी खुशी के लिए जरूरी नहीं कि मैं शादी करूं। अच्छा तो पूरी जिंदगी मुर्तसिम भाई और मीरब को अलग करने में लगा दोगी? अगर जिंदगी ऐसी कटनी है तो ऐसी ही सही लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। हया जिद छोड़ दो। मेरी मोहब्बत मेरी जिद है और मोहब्बत को छोड़ा नहीं जाता। कब तक ख्वार होगी उसके पीछे? जब तक वो मिल ना जाए। ना मिला तो फिर जिंदगी इसी जुस्तजू में निकल जाएगी। तुम जानती थी ना और वो मीरब वो भी जानती थी इसीलिए मुझे यहां लाई जबरदस्ती ताकि मुझसे जान छुड़ा सके। और माँ बेगम वो तो ऐसे कर रही है जैसे मैं उन पे बोझ बन गई हूं। बेटियां बोझ ही तो होती हैं माँ बाप के लिए
जिन्हें सब माँ बाप अपना फर्ज समझ कर उतारना चाहते हैं। इतनी में बोझ नहीं होती कि आपने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया और मेरा रिश्ता तय कर दिया। तो क्या करती, तुम्हारी हरकतें भी तो कुछ ऐसी हैं, या तो घर में जादू टूने करवाने हैं या मीरब को गिराने की कोशिश करनी है और बस। वो मेरी गलतियां थी, उसके लिए मुझे माफ कर दें। आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, पर मेरी शादी नहीं कराए नौरेस से, नहीं। तो फिर किससे? किसी से नहीं। मैं शादी करना ही नहीं चाहती। देखो, तुम्हारी शादी तो हो रही है, लड़का भी अच्छा है, खानदान भी अच्छा है, और तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तुम्हें इस घर से अब रुखसत होना चाहिए। वहां पे बस मैंने और मुर्तसिम ने फैसला कर लिया है, तुम लोग तैयारियां करो क्योंकि तुम्हारी शादी की तारीख इसी महीने रखी जा रही है। अच्छा, रो तो मत, नौरेस बहुत अच्छा लड़का है, दिखने में भी अच्छा है और पढ़ा लिखा भी है, क्या चाहिए हया। और तुम तो चुप करो, मेरी जिंदगी बर्बाद होने जा रही है, तुम नौरेस नौरेस बोली जा रही हो। अगर तुम्हें इतना पसंद है तुम कर लो उससे शादी। मैं क्यों कर लूं शादी, मैं अपनी मर्जी से करूंगी। तो मुझे हक नहीं अपनी पसंद से शादी करने का? हया, एक सूरत निकल सकती है, अगर मुर्तसिम भाई मना करेंगे ना तो शादी रुक जाएगी तुम्हारी। मैंने मीरब के साथ जो किया उसके बाद मुर्तसिम मेरी बात कहां मानेगा? तुम बात तो कर सकती हो ना, ट्राई करके तो देखो। मुझे उससे शादी नहीं करनी है, तो माँ बेगम से बात करो मेरे लिए। कोई कसर छोड़ी है तुमने माँ बेगम से बात करूं? तो अपनी ये फरमाइश लेकर किसके पास जाऊं? हमेशा तुमसे ही उम्मीदें लगाई हैं। ठीक है, गलतियां हुई हैं मुझसे, शर्मिंदा भी हूं, इसका मतलब ये मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा? तुम्हें घर से कोई नहीं निकाल रहा, शादी के बाद जब चाहे आ सकती हो। और इससे शादी नहीं करना चाहती। अच्छा लड़का है वो, मिला हूं उससे, पॉजिटिवली सोचो, मैं भी यही चाहता हूं कि तुम्हारी शादी हो जाए। क्यों तुम मेरी है? कहो तो बात करूं मैं मुर्तसिम से। तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है मुझे। राजी नहीं है, से राजी होना पड़ेगा। जबरदस्ती शादी करवाओगे? मैं बस अपना फर्ज निभा रहा हूं। लेकिन उसको एतराज है,
बुराई किया लड़के में। देखने में तो कोई बुराई नहीं है। आई थिंक उसकी शादी हो जानी चाहिए ताकि मुझे सिर्फ एक जिद्दी को फेस करना पड़े। मैं जिद्दी हूं मुर्तसम, अगर तुम्हें लगता है कि मैं जिद्दी हूं तो मैं अपनी जिद छोड़कर हाया को लेने गई थी, हालांकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया। कहां जा रहे हो? कॉफी बनाने। अब मैं कह रही थी कि अगर तुम कहो तो मैं कॉफी बना दूं। ओके, थैंक यू। जो भी कोई है मैं देखती हूं आज कैसे बचता है। तुम मरियम? क्या हुआ मरियम? पेपर्स हो रहे ना उसके, तो वो एक कॉफी का पूछने के लिए गई थी। जाग रही है? पेपर्स हो रहे ना उसके। ऐसा करते हैं कि हम लोग कॉफी बनाने चलते हैं। कॉफी बनाने चलें मैं और तुम? तुम्हें पता है ना आजकल मुझे यहाँ अकेले बहुत डर लगता है। मैं अकेले बाहर नहीं आना चाहिए। तुम चलोगे मेरे साथ मिलके कॉफी बनाते? कॉफी तो है इतनी कौन सी बड़ी बात है। चले अपने रूम में। लेकिन वो मरियम की कॉफी? वो तो सो गई होगी। सो गई होगी? अभी तो तुमने कहा कि वो पढ़ रही है। अब उसने कॉफी के लिए मना कर दिया था। अब हम क्या मरियम बहस करेंगे? स्ट्रेंज। बताओ ना कॉफी कैसी बनी है। बहुत अच्छी है।
आखिर बनाई किसने? मेरी बीवी ने। चले कॉफी मेरी तो खत्म भी हो गई। हाँ मैं पीता हूँ बस। यार ये आज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छी है। थैंक्स। लाओ मैं रखाती हूँ। रहने दो यार, सुबह कोई ना कोई उठा लेगा। मैं रखाती हूँ ना। अच्छा चलो फिर मैं भी चलता हूँ। नहीं क्यों? तुम अपना काम करो, मैं जल्दी से रखाती हूँ। लेकिन तुम्हें तो डर लग रहा था ना? हाँ लेकिन अब आई एम ओके। तुम मलिक जुबैर की फाइल पे काम करो, जल्दी से पुलिस में जमा कराओ ताकि उसको सजा मिले। बस मैं अभी गई अभी आई। डरोगी तो नहीं? नहीं। कहाँ है वो रात का भूत? जरा मुझे भी पता चले। उसे निकाल दिया या मैं आवाज देके निकालूं? कहा प्लीज ऐसा बोलिए, मुर्तसिम भाई सुन लेंगे मीरा। और वो चला गया है। अच्छा अगर मुर्तसिम से इतना ही डरती हो तो ये सब कुछ क्यों कर रही हो? अंदाजा है उसे पता चल जाएगा तो क्या होगा? आपने भाई को नहीं बताया? उससे क्या बताती, पहले मुझे तो कुछ पता चले। प्लीज प्लीज भाई को कुछ मत बताइएगा, वो मुझे मार डालेंगे। इतना डर इतना खौफ तो ये सब कुछ क्यों मरियम? मीरा आप भाई को नहीं जानती। खैर इतना भी जालिम नहीं है, बात की जा सकती है उससे। हाथ जोड़ियो आप क्या कहें प्लीज। अच्छा ठीक है, सांस ले लो, नहीं बताती। नाम क्या है? अनस। क्या अनस? बस अनस। अता पता? मैं तो बस इतना ही जानती हूँ। मरियम सिर्फ नाम जान के तुमने उसे अपने कमरे में बुला लिया? घर है उनका, अब पेरेंट्स हैं। कहाँ रहता है? यही हैदराबाद में। काम क्या करता है? अच्छी जॉब करते हैं। मिली कहाँ उससे? मेरे कॉलेज के बाहर। रेडी लगाता था? तुम उसे पापड़ लेने गई हो, तुम्हें लव एट फर्स्ट साइट हो गया, ऐसा ही है? नहीं नहीं मेरा वो अच्छी फैमिली से है। अच्छी फैमिली के लड़के इस तरह रात भर छुपके नहीं मिलते। दरअसल मैंने ही बुलाया था उन्हें। इतनी हिम्मत कर रही हो, वो भी उसके लिए? वो तुम्हारे लिए क्या करने को तैयार है? बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, शादी भी करना चाहते हैं, इज्जत से अपनाना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो तुम्हारा भाई मुझसे कितनी मोहब्बत करता होगा, उसने भी मुझसे शादी कर ली।
जाहिर ही बात है, भाई बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे। छोड़ो, हमारे केस में तो मोहब्बत नहीं, सिर्फ शादी हुई है, वो भी डायरेक्ट। खैर बताओ क्या करना है, सबको कैसे बताना है? मीरा, मीरा प्लीज घर में किसी को कुछ मत बताइएगा प्लीज। क्या इसी तरह छुप छुप के मिलती रहोगी? और खुदा ना खास्ता अगर मुर्तसिम ने देख लिया, माँ बेगम ने देख लिया या हया ने देख लिया ना, तो पूरे खानदान में बात फैलेगी। ओ अनस कह रहे थे कि हम भागकर शादी। क्या? क्यों भाई? क्योंकि मुर्तसिम भाई और माँ बेगम कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे भाई? अनस से कहो रिश्ता लेकर आए। और रिश्ता आ गया तो इनकार ही होगा। क्यों इनकार होगा? मीरा आप इसी खानदान की हैं, इस खानदान की लड़कियों की शादी खानदान के बाहर नहीं हुई कभी और ना ही होगी। पता नहीं ये तकियानूसी सोच किस जमाने में रहते तुम लोग। इसी जमाने में रहते, बस सोच रह गई है किसी पुराने समय। ये सोच ही तो बदलनी है मरियम। सोचो पगदार की बहन बदलेगी तो सबकी सोच बदलेगी। लेकिन कुछ नहीं, जैसा मैं कह रही हूँ वैसे करो। ये भागने वाले आइडियाज अपने पास रखो, मोहब्बत की है तो डट के मुकाबला करो। हंगामा हो जाएगा। हंगामा तो होगा, आसान काम नहीं है, मोहब्बत की है। अनस ने मुझसे कह दिया है कि जब तक माँ बेगम और मुर्तसिम भाई दोनों साथ में एग्री नहीं करेंगे वो अपने माँ बाप को नहीं भेजेंगे। उससे मैं बात कर लूंगी। मैं अभी बात करूं? नहीं अभी नहीं, और फोन पे तो बिल्कुल भी नहीं। मिलूंगी उससे प्रॉपर डिसेंट टाइम पे। और वो कैसे होगा? ये सब कुछ तो मुझ पे छोड़ दो, ज्यादा सोचो मत। हाँ बस मुझे श्योरिटी चाहिए होगी। श्योरिटी कैसी? वो मैं अनस से ले लूंगी। अभी तुम सो जाओ, रात बहुत हो गई है। मुर्तसिम फिर से यहाँ ढूंढता हुआ आ गया ना, तुम्हारी शक्ल देख के उसको सब पता चल जाएगा। सो जाओ। कहाँ रह गई थी तुम? मैं मरियम के पास चली गई थी। मरियम के पास क्यों? उसे बताने के लिए कि वो मोहब्बत ही क्या जो आसानी से मिल जाए। मोहब्बत? नहीं समझे? उसे भी यही समझा रही थी। जो मोहब्बत इजीली अवेलेबल होती है ना, वो सच्ची नहीं लगती। सच्ची मोहब्बत के लिए तो सख्ती बर्दाश्त करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है, बहुत कुछ सहना पड़ता है। उसे कहते हैं असल मोहब्बत। फिर वो मोहब्बत मोहब्बत थोड़ी रहती है। फिर क्या हो जाती है? इश्क बन जाती है। मोहब्बत तो वक्त के साथ खत्म हो जाती है, लेकिन इश्क हमेशा जिंदा रहता है। रूमी का, कलंदर का, मंसूर का। हालिब का? हालिब? हाँ गालिब का।
क्या है कि मरियम गालिब ही तो पढ़ी थी, वहीं से बात निकली। अगर कोई तुमसे इश्क करने लगे तो क्या करोगी तुम? नॉट पॉसिबल। आज के लिए इश्क विश कहाँ होता है? चलो मान लो अगर हो जाए तो क्या करोगी तुम? की तरह शेर कहूंगी, कलंदर की तरह धमाल डालूंगी और मंसूर की तरह सूदी चढ़ जाऊंगी।